Hola, macho. Hermano, macho. ¿Qué se llama tu Ars, clase, o, yo me para o, siempre me voy a traer mucho alto calmando dice apoyar el número de me y और बच्चों
este modo formado. Este modo está de la So, chow, gai, haz, bhusa, khali, dana, patiyan, khati. Chow, gai, hume dhud diti hai. Gai ke dhud se, log, dahi banate hai. Dahi khumat ka log. मक्खन निकालते हैं मक्खन से घी बनाया जाता है और गाय के दूध से हम मिठाइयां भी बनाते हैं खोया से सोचो इस तरह से हाँ तो पार्टिसिपेंट को जुड़ नहीं रहा बच्चों इस तरह से गाय के बारे में हम दिमाग सीखेंगे लगभग 8 से 10 नंबर का होगा तो सब लोग अपनी अपनी कापी निकाल लें मैं लिखा देता हूँ सब सुनते स्वागत पता है गाय एक पालतू जानवर है पालतू जानवर है यह बहुत ही उपयोगी पशु है बहुत ही उपयोगी पशु लिख सकते हैं जानवर लिख सकते हैं पशु है इसके चार पैर होते हैं इसके चार पैर होते हैं इसके दो आंखें होती हैं आंखें होती हैं दो आंखें होती हैं इसके दो कान होते हैं ये दो कान होते हैं इसके दो सींग होती हैं इसके एक
लंबी पूछ भी होती है। हरी सब्जियां खाती है, हरी सब्जियां हरी सब्जियां खाती है, गाय हमको दूध देती है, गाय हमें दूध देती है, गाय के दूध से दही मक्खन घी और मधी बनता है। हम जो आई इसके बाद इसके बच्चे बड़े होकर के बच रहे, बड़े होकर बैल बनते हैं, सुनते हैं
के बशरे बड़ी होकर कराती है। बनती है तो गाय की गोबर, गाय के गोबर से संदे और खाद बना लेती है और खाद बनाई जाती है। हमारे देश में गाय की पूजा की पूजा की जाती है। हम सब गाय को गौ माता कहते हैं। गौ माता मैं गाय से बहुत प्यार करता हूँ। मैं गाय से मैं गाय को बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों मैं गाय को बहुत प्यार करता हूँ। तो आज हमने आपको गाय के बारे में बताया और दिखाया। कल आपको मैं हमारा विद्यालय अपने विद्यालय के बारे में हम आपको बताएंगे। गाय की जो नीति है गाय की जो दही मक्खन भी और दही मिलता है इसके दूसरे हम मिठाइयाँ भी बनाते हैं। इसके बच्चे बड़े होकर गाय होते हैं। इसकी बच्ची बड़े होकर गाय होती है। गाय के गोबर से संदे और खाद बनाई जाती है। हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है। हम सब गाय को गोमाता कहते हैं। मैं गाय को बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों
ईश्वर की दया के बारे में जरूर आप कहेंगे क्योंकि निबंध आपको जरूर आएगा। और छोड़ेंगे इसको, एप्लीकेशन भी आएगा और निबंध भी आएगा, इसलिए आप जरूर ध्यान करें और लिखें, समझे। तो नमस्ते, के लिए अच्छे से हैं और पढ़ाई करते हैं, परीक्षा शीघ्र आपकी आ रही है बच्चों।